हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की क्लास नंबर 3, जो कि क्लास 12th के लिए है। फिजिक्स की क्लास 3 पढ़ रहे हैं हम लोग और अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। तो और आज का टॉपिक है बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी टॉपिक है इसका और आपको काफ़ी इसमें मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, जैसे कि मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से अपलोड कर दिया है ना फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और जो फ्रेंड्स आपके हैं जो मतलब ट्यूशन नहीं जा सकते हैं तो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर आसानी से फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है, इट स्टेट्स दैट यू ना नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल द अदर चार्जेस। तो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हैं। एक हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से समझेंगे और फिर इसका डेरिवेशन करेंगे छोटा सा। फ्रेंड्स है सारा का सारा वही जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है ना, उसी के ऊपर सारा बेस है बेटा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, एक्स वाई ग्राफ बना लिया, मतलब एक्सिस बना ली हमने। ये ओरिजिन हो गया, मान लिया कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये Q1 चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मान लिया कोई इस तरीके से, ये Q2 चार्ज है। ठीक है, फिर ऐसे इधर मान लिया ये Q3 चार्ज है, इधर मान लिया हमने Q4 चार्ज है। ऐसे डॉट 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 करते करते मान लिया आपके पास कितने Qn चार्जेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखना है कि ये जो Q1 चार्ज है, Qn चार्ज है ना, 1 से लेके n तक हैं। हमने यहाँ पर ये निकालना है कि जो Q1 चार्ज है, ये जो हमने यहाँ पे बनाया इस Q1 चार्ज पर, इन सभी चार्जेस की वजह से टोटल कितना फोर्स काम करेगा। और एक चार्ज की बात नहीं करेंगे हम, बात कर रहे हैं सिर्फ इस Q1 चार्ज पर। ये जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज पर ये Q2 Q3 Q4 अप टू कहाँ तक है, Qn चार्जेस हैं, n तक हैं। ठीक है, तो इन सभी चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स काम करेगा, वो फोर्स निकालना है हमने। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल बताया गया है, जो इसका टॉपिक का नाम लिखा हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, तो इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि जो एक चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, उन सभी चार्जेस का अल्जेब्रिक सम होगा। मतलब इस चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा ना, वो इन सभी चार्जेस के फोर्सेस का जो सम होगा, जब इन सभी चार्जेस का जो फोर्स निकालेंगे और जब उनको आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कि इस चार्ज पर टोटल कितना फोर्स काम कर रहा है। ये तो इसकी डेफिनेशन में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, उससे हमें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमने यही निकालना है इसमें कि एक मिनट रुकिए। हाँ बच्चों, तो अब हमें इसमें सबसे पहले यही देखना है कि जो Q1 चार्ज है ना, सबसे पहले निकालेंगे इस Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज की वजह से कितना फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई ये निकालेंगे क्या, F12 लिखेंगे ना, F12 लिखेंगे। मैंने बताया था ना, जिस चार्ज पर फोर्स काम करता है उसका नंबर पहले लिखते हैं। तो किस पे फोर्स काम कर रहा है, 1 पे काम कर रहा है, तो 1 हमने पहले लिख दिया। और किसकी वजह से काम कर रहा है, 2 की वजह से काम कर रहा है, 2 हमने पीछे लिखा। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे ही लिखेंगे, F13 लिखेंगे भाई। 1 3 का मतलब क्या होगा, 1 पे फोर्स काम कर रहा है और 3 चार्ज की वजह से, Q3 चार्ज की वजह से। फिर ऐसे लिखेंगे, F14 आ जाएगा। फिर ऐसे डॉट डॉट करते 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 कितने फोर्स आ जाएंगे, F1N, मतलब कि 1 वाले चार्ज पर N चार्ज की वजह से कितना फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू नोट कर लें। तो F12 कितना आएगा भाई, फोर्स का फॉर्मूला जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा, 1/4πε0 Q1 * में Q2। भाई दोनों चार्ज, एक Q1 है, दूसरा कितना Q2 है, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस ये मान ली R21 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 से 1 पे जा रहे हैं, 2 की वजह से 1 पे फोर्स काम कर रहा है, लिखेंगे R21। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ऊपर R21 कैप और नीचे लिखेंगे R12। अब आप पूछेंगे कि मैंने ऊपर तो लिख दिया भाई R21 और नीचे लिख दिया R12, है ना। तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने ऊपर तो लिखा 21, नीचे 12 लिखा, भाई ऐसे क्यों कर दिया मैंने। देखिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब ये फोर्स कौन सा निकाला आपने, 12 निकाला, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी कौन सी आएगी, 12 आएगी ना, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। पर ये देखिए डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है, अभी फोर्स कैसे काम कर रहा है, 2 से 1 की तरफ काम कर रहा है। ये जो आप ऊपर लिखा है मैंने R21 कैप, ये तो सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है कि डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ली हमने, 2 से 1 की तरफ ली है ना बेटा, इसलिए यहाँ पे R21 कैप लिखा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। और ये R12 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स आप निकाले 12 F12 निकाले, यहाँ पर R12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे F13 निकालनी थी तो ये कितना आएगा, 1/4πε0 कितना आएगा, Q1 Q2, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, R13 का स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, R31
का कैप, ठीक है। तो ऐसे निकालें एफ वन एन कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, यहाँ क्या आएगा आर वन एन का स्क्वायर इन टू में क्या आ जाएगा, ये आर एन वन कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तो आगे मतलब एफ वन आ गया, एफ वन टू आ गया, एफ वन थ्री आ गया, ऐसे एफ वन एन तक निकाल लिया हमने। ये निकाल लिया कि इस क्यू वन चार्ज पर अलग अलग चार्जेस की वजह से कितना कितना फोर्स काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इन सबका सम करना है भाई, है ना, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दे, तो एफ कैपिटल एफ लिखेंगे, ये क्या होगा, इन सभी सम के, सभी चार्जेस के सम के बराबर, सभी फोर्सेस के सम के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ वन टू वेक्टर का सम प्लस एफ वन थ्री वेक्टर का सम प्लस डॉट 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 एफ वन एन वेक्टर का सम। एफ वन टू कितना आया, ये वाली वैल्यू जो आई है इसे यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, नीचे क्या आर वन टू का स्क्वायर इंटू में कितना आर टू वन कैप प्लस में एफ वन थ्री, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली वैल्यू, ये भी यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, नीचे क्या जाएगा आर वन थ्री का स्क्वायर इंटू में कितना जाएगा आर थ्री वन कैप प्लस डॉट 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 कितना लिखा है एफ वन एन, इसकी वैल्यू कितनी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या आएगा, ये वन एन का स्क्वायर है ना, वन एन का स्क्वायर और इनटू में आएगा ये आर एन वन कैप, है ना। तो ये चीज़ें आ गई आपके पास निकल के, अब क्या करना है आपने इस देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। और जब इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें कॉमन निकल रही हैं इसमें से, तो देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, अच्छा मैंने गलती कर दी बेटा इसमें ना, जहाँ मैंने क्यू वन क्यू टू लिखा है वहाँ पर आपको बार बार चार्ज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वाली तो सही है, क्यू वन क्यू टू आएगा भाई, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना काम कर रहा है, क्यू वन क्यू टू ही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम एफ वन थ्री निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो क्यू वन है भाई, चार्ज तो फोर्स तो इस पे काम कर रहा है क्यू वन पे, पर किस चार्ज की वजह से काम कर रहा था, क्यू थ्री की वजह से काम कर रहा था ना, तो यहाँ पर आपको क्यू थ्री करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जब हम एफ एन वन एन निकालेंगे तो फोर्स किस पे काम कर रहा है, क्यू वन पे, पर किस चार्ज की वजह से काम कर रहा था, क्यू एन चार्ज की वजह से, तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, क्यू एन करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये थोड़ी सी गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, थ्री हो गया यहाँ पे एन कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आ रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू वन, ये सब में आ रहा कॉमन, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या आ गया कॉमन, क्यू वन, तो क्यू वन हमने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ कितना बचा आपके पास, ये बचेगा अंदर ब्रैकेट में आपके पास ये बच रहा है क्यू वन हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बच रहा है क्यू टू, है ना, और नीचे क्या बच रहा है, ये आर वन टू का स्क्वायर, ठीक है, और इन टू में क्या ये आर टू वन कैप, ऐसे यहाँ से कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, क्यू थ्री बचा, नीचे आएगा आर वन थ्री का स्क्वायर इन टू में जाएगा आर थ्री वन का कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाली वैल्यू यहाँ से क्या बची, क्यू एन अपॉन में जाएगा आर वन एन का स्क्वायर इंटू में आ जाएगा आर एन वन कैप, ये आगे यहाँ पे निकल के, ठीक है। अब ये तो आ गया टोटल फोर्स आ गया आपके पास कि यहाँ पर इतना फोर्स काम कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम अगर, ये तो काफ़ी लंबा हो गया ना, इसे अगर याद करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा याद करना भी इसको, उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख, और कैसे शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपके पास क्यू वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्यू टू लिखा है, फिर क्यू थ्री है, फिर कहाँ तक है, क्यू एन तक है ना। और इन सबको क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं ना, जब समेशन कर, जब ऐसे नंबर चलते हैं, एक सीरीज में नंबर चल रहा होता है, बार बार कंटिन्यू चल रहा होता है, तो हम इसको समेशन से शो करते हैं, ठीक है। आपने साइन देख रखा होगा वैसे क्लास 11th 10th में भी, साइन क्या बोलता है, समेशन का साइन होता है ना। अब क्यू की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक, क्यू की वैल्यू टू से लेके कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, यहाँ लिख देंगे क्यू आई लिख देंगे पहले तो, और नीचे क्या लिख देंगे, देखिए नीचे वन, नीचे क्या चल रहा है, वन टू चल रहा है, फिर वन थ्री चल रहा है, फिर वन एन चल रहा है, मतलब वन पहले 12 फिर 13 फिर 14 फिर ऐसे करते करते करते, मतलब वन वन तो चल ही रहा है, वन में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वन के बाद जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, कहाँ तक चेंज हो रहा है, एन तक। तो नीचे ऐसे लिख देंगे आर वन एन, सॉरी आर वन आई लिख देंगे इसको, ठीक है।
इसको स्क्वायर कर देंगे। और कुछ चेंज हो रहा है? और यहाँ पर देखिए R21, R31, RN1, मतलब R के बाद 2 चेंज हो रहा है, 1 तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो उसको लिख देंगे हम ऐसे R, ठीक है, I1, RI1 ऊपर लगा देंगे कैप इसके ऊपर। ठीक है बेटा, क्या किया मैंने फिर से बताऊँ? देखो मैंने क्या किया, Q1/4πε0 तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया सेम, फिर इन सबको सम करना, ऐड करना, इसलिए मैंने साइन लगा लिया समेशन का। क्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, क्यू की वैल्यू 2 से लेके n तक जा रही है, तो मैंने यहाँ लिख लिया क्यू आई, और यहाँ पर लिखूंगा मैं i की जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट हो रही, 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, इसके ऊपर लगा दिया मैंने। ठीक है, क्यू की वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर n तक जा रही, तो मैंने लिख दिया क्यू आई लिख दिया। आर की वैल्यू कैसे जा रही है, 2 1 है, फिर 3 1 है, फिर RN1 हो गया, मतलब 2 वाली वैल्यू चेंज हो रही है ना, ये 2 से पहले 3 हो गया, फिर 4 हो जाएगा, फिर n हो जाएगा लास्ट में ना, तो मैंने RI1 लिख लिया इसको। नीचे कैसे चेंज हो रहा है, नीचे देखिए R12 स्क्वायर लिखा है, R13 स्क्वायर, R1N स्क्वायर, 1 तो समय सेम आ रहा है, 1 के बाद का नंबर चेंज हो रहा, जो नंबर चेंज हो रहा है हमने उसी को आई मानना है, ठीक है, और जो चेंज नहीं हो रहा उसको हमें वैसे लिखना था। तो यहाँ पर R1 लिख लिया हमने, क्योंकि R1 तो चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, 1 के बाद वाला, उसको I मान लेंगे, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके फिर से n तक, तो लिख दिया हमने I की वैल्यू 2 से लेके n तक। और ये क्या आ गया आपके पास, टोटल फोर्स आ गया इसका, कि अगर कोई भी चार्ज है अगर उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर इतना फोर्स काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मतलब अगर चार्ज जो क्या है वो लगातार फैला हुआ, लिखा ना कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किसी चीज़ पर मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है लगातार, तो ये बताइए उस पर मतलब उस पर कितना फोर्स वगैरह काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं लीनियर चार्ज। अगर मान लीजिए कोई वायर है आपके पास, ठीक है, कोई मान लीजिए वायर है, इस वायर के ऊपर चार्ज फैला हुआ है कुछ, ठीक है, मान लीजिए इस पे वायर पे पॉजिटिव प्लस प्लस चार्ज फैला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोई किसी लीनियर किसी सिंपल सी सीधी लाइन है ना, या कोई स्ट्रेट वायर है, सीधी तार है, उसके ऊपर कोई चार्ज फैला हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्या निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, तो भाई हमने मान लिया कोई चार्ज है, इस चार्ज मतलब कोई वायर है, इस वायर पे कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज, जो ब्लैक ब्लैक से मैंने पॉजिटिव वाला बनाया ना, मान लिया इस वायर पे कितना चार्ज फैला है, क्यू, इस वायर की जो लेंथ है, मान लिया टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ कितनी, मान ली एल लेंथ है, तो अब हम निकालेंगे इसकी डेंसिटी कितनी है, चार्ज की डेंसिटी कितनी है ना, तो टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, टोटल चार्ज कितना है भाई, क्यू है, और वायर की टोटल लेंथ कितनी है, एल है, तो क्यू अपॉन एल, इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका साइन होगा लैम्डा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का, इसका मतलब ये है कि एक यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज फैला होगा उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए इसके और एग्जांपल से मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई ये जो वायर थी आपके पास 100 सेंटीमीटर की होती, ठीक है, लेंथ हमने मान ली 100 सेंटीमीटर है, और इस पर जो चार्ज फैला होता है मान लो 200 कूलम्ब चार्ज फैला हुआ है। अगर मैं अब मैं कहूँ ये निकालिए इसकी डेंसिटी निकालिए, तो क्या करेंगे, मतलब जो फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो कितना जाएगा, चार्ज कितना है भाई 200 और लेंथ कितनी है 100, तो कितना आगे कट के ये 2 आ गया है ना, ये 2 क्या आया, इस 2 का मतलब ये है कि ये तो 100 सेंटीमीटर पर कितना चार्ज फैला हुआ है 200, इस 2 का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर पर कितना चार्ज फैला होगा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज फैला हुआ है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर पर कितना चार्ज फैला है, 2 कूलम्ब चार्ज फैला है, 100 सेंटीमीटर पे कितना फैला था 200, तो 200 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 2 आ गया, 2 क्या आ गया, ये आ गया कि 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज फैला हुआ है, इसी को हम यहाँ पर क्या बोले लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं, इसकी जो डेफिनेशन होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की ये होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती, यूनिट, ठीक है, मतलब जो हमने जो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली इसकी यूनिट क्या होगी, तो भाई ये क्या लिखा हमने, क्यू क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती, बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में, बताया था क्या होता है कूलम्ब, एल क्या है लेंथ की यूनिट क्या होती मीटर, तो फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या बन गई कूलम्ब
पर मीटर बन गए, इसे अपॉन में इसे पर बोलेंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम, और एम को अगर ऊपर ले जाएं हम, पर एम की पावर कितनी प्लस वन है, ऊपर ले जाएंगे तो एम की पावर कितनी हो जाएगी माइनस वन, तो उसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम पर मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया कि अगर चार्ज किसी लाइन के अलोंग फैला हुआ है, किसी सीधी लाइन पे, है ना। अब देखें अगर चार्ज कैसा फैला हुआ है, चार्ज किसी सरफेस पे फैला हुआ है, तो इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पढ़ेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी सरफेस पे फैला हुआ है ना, तो मान लिया आपके पास कोई एक सरफेस है, मान लिया कोई कागज़ की शीट है, ये हमने यहाँ पे बना ली इस तरीके से, और इस पे कुछ चार्ज फैला हुआ है ऐसे, ठीक है। अब हमने ये निकालना है कि बताइए, मान लिया इसका जो एरिया है शीट का, मान लिया 200 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, मान 200 मीटर स्क्वायर एरिया है, इस पर बताइए कितना चार्ज फैला होगा, मतलब इसकी डेंसिटी निकालिए, 1 मीटर एरिया पर कितना चार्ज फैला होगा, है ना। तो उसको निकालना है, उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए कोई शीट है आपके पास, इस पर जो चार्ज फैला है कितना, क्यू चार्ज फैला हुआ है, इसका जो एरिया है जिसको हम किससे यहाँ पर शो करेंगे, एस से शो करेंगे, एस का मतलब होगा सरफेस एरिया ऑफ शीट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा टोटल चार्ज कितना है भाई क्यू, हमने क्या करना है चार्ज को हमेशा एरिया से या लेंथ से डिवाइड करना है, टोटल चार्ज कितना है क्यू और एरिया कितना है इसका एस, है ना। या फिर मान लीजिए ए मान लेते हैं, चलो ए मान लेते हैं एरिया के लिए, ए लगा दिया हमने, तो चार्ज अपॉन एरिया, ये क्या आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, इसका साइन होता है सिग्मा। ये जो मैंने साइन बनाया इसे बोलते हैं सिग्मा, बोलते हैं क्या बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी के सिंबल को शो कर रहा है, ठीक है। और ये क्या, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में एरिया, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज फैला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज होता 600 चार्ज होता, मान लो 600 कूलम चार्ज, और एरिया कितना है इसका 200, ठीक है। तो अब मैं ये पूछूं, बताओ ये तो था कि 200 मीटर स्क्वायर एरिया पर 600 कूलम चार्ज फैला हुआ है, मैं पूछूं बताओ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज फैला है, क्या करेंगे 600 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज फैला हुआ, 3 फैला हुआ, तो 3 क्या है ये, इसकी आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, मतलब चार्ज को जब एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर इसकी डेफिनेशन का हम ऐसे बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद आते भाई इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, और एरिया की यूनिट क्या होती है भाई मीटर स्क्वायर पर रखा है ना, तो कूलाम। अब एम की पावर कितनी 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका आता है लास्ट में आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। ये और देख लेते हैं फिर ये टॉपिक आपका जो मतलब फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक मिनट पेज पलट लूँ मैं। तो फ्रेंड्स अब हमने पढ़ना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फ्रेंड्स ये क्या होता है, मतलब जब कोई चार्ज किसी बॉडी के चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम पे फैला हुआ है ना, वॉल्यूम समझते हैं ना क्या होता है, चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर ही फैला हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपके पास मान लीजिए ये बॉटल है जैसे, है ना, ये बॉटल देख रहे हैं आप, ठीक है। अब चार्ज क्या है, पूरी बॉडी के ऊपर फैला हुआ है, यहाँ 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 पूरे उस पर फैला हुआ है, पूरे एरिए पे, हर एक एरिए पे, है ना, इधर भी है ना, पूरे सरफेस पे, मतलब पूरे इसके सरफेस पे फैला हुआ है, तो बोलेंगे चार्ज क्या पूरे इसके वॉल्यूम पर फैला हुआ है, ठीक है, इसे हम वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक। तो अभी हमने अपना पढ़ना है कोई चार्ज किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम पर फैला हुआ है तो बताइए उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो मान लिया कोई आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, बॉल देखिए आपने ना जिसे मैच वगैरह खेलते हैं वही, ठीक है, जिसकी पूरी बॉडी पर चार्ज फैला हुआ है, मान लिया चार्ज फैला हुआ है ये, ठीक है। अब हमने ये निकालना है कि चार्ज तो ये हो गया, ठीक है, चार्ज का साइन कितना हो गया क्यू, और मान लिया इस बॉल का या इस बॉडी का जो वॉल्यूम है कितना, मान लिया वी, है ना, वी से वॉल्यूम को शो करते हैं हम लोग, क्लास 10th में मैथ्स से पढ़ा होगा आपने, वी वॉल्यूम आयतन है ना, वही वाला, ठीक। तो चार्ज क्यू हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया वी, तो अब हमने ये निकालना है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी,
तो अगर क्या करें, टोटल चार्ज कितना है भाई क्यू, और टोटल वॉल्यूम कितना है इसका भी, चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका साइन होता है रो। इस साइन को बोलते हैं रो, आर एच ओ, रो। ठीक है, रो का मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल है रो, इसका फॉर्मूला है क्यू अपॉन में वी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, तो डेफिनेशन वही बन गई ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी नीचे लिखा है उसे पर में बोलेंगे। मतलब ऊपर क्या लिखा है चार्ज, मैं बोला चार्ज, फिर पर में क्या है वॉल्यूम, बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया कि एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी भाई इसकी, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, सी तो ऊपर ही रहेगा, एम की पावर कितनी 3, नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एम की पावर -3, तो कितना आ गया कूलाम पर मीटर क्यूब, ये क्या आ गया इसकी यूनिट आ गई। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर आज यहीं पर एंड होता है, आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है, चाहे आज की क्लास है या कोई प्रीवियस क्लास है, तो जिस भी क्लास में डाउट है तो आप उसी क्लास की वीडियो के नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली उस कमेंट का आंसर दूंगा। और अगर कोई मतलब बड़ा इशू होगा, कोई बड़ा डाउट होगा, तो मैं आपके उस डाउट पर अपने नेक्स्ट क्लास में कोई मतलब आपके डाउट को डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।